क्या आपको मालूम है क्यों ये बोट के वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ईयरफोन्स है? और सरप्राइज ये है कि ये केसिंग के साथ आ जाते हैं और ये केसिंग बहुत ही प्रीमियम है और बोट ब्रांडिंग के साथ आ जाती है। क्या आपको इस ईयरफोन को परचेस करना चाहिए, यस या नो? ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सो वीडियो को एंड तक देखिए और एंजॉय कीजिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 20 Tech 5। सो आज मैं आप सब लोगों के लिए एक ईयरफोन का रिव्यू लेके आया हूँ और ये बोट ब्रांड की तरफ से है और रिसेंटली एक ऑफर था अमेज़ॉन में, सो इसलिए मैंने इसे ख़रीद लिया और मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन है बोट की तरफ से। सो बिना देर के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। So let us start with the unboxing. So box को open करने के से पहले मैं यहाँ पे जो description है उसे बताना चाहता हूँ। Super extra bass करके लिखा है, polished metal करके यहाँ पे लिखा है, 3.5mm gold plated jack और one button mic करके यहाँ पे लिखा है, boat base heads 225। So अगर इस side पे देखेंगे तो इम्पोर्टेड मार्केटेड बाय इमेजिन मार्केट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड करके लिखा हुआ है, गोरेगांव ईस्ट मुंबई महाराष्ट्र। सो इतना ही है। पैकेज में आपको ईयरफोन मिलता है जो मैंने ब्लैक कलर का ऑर्डर किया हुआ है और एक्स्ट्रा ईयरबड्स मिल जाते हैं और कैरिंग केस मिल जाता है। सो हम अभी ऐसे अनबॉक्स कर देते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आपको ईयरफोन और कैरिंग केस मिल जाता है और बॉक्स के अंदर एक वारंटी कार्ड मिल जाता है और इतना ही है इस बॉक्स में। सो वारंटी कार्ड में फॉर वारंटी क्लेम्स कॉन्टेक्ट अस एट करके उनका डिटेल्स दिया हुआ है, एक नंबर भी है और इस साइड पे देखोगे तो प्रोडक्ट वारंटी के लिए आपको मिस कॉल देना होगा इस नंबर पर, तभी ये रजिस्टर हो जाएगा और बाद में आप इस मेल आई डी पे या इस सपोर्ट पे जाके इसे क्लेम कर सकते हो। सो इसे हम रख देते हैं साइड में। तो अगर मैं ईयरफोन केस की बात करूं कि अंदर उन्होंने ईयरफोन डाला हुआ है, सो ऐसा है, ऐसा उन्होंने किया हुआ है, ये हम रख देते साइड में। तो इसे आप ऐसे ओपन करना है। वाओ, बहुत ही अच्छी तरह से एट्रैक्टिव पैकिंग किया हुआ है बोट ने, बहुत अच्छा लगा मुझे। सो ईयरफोन हो गया, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बड्स और ईयर पिंस मिल जाते हैं और इसमें आपको एक एक्स्ट्रा रैक जैसा है जहाँ पे आप ईयर बड्स रख सकते हैं। सो केस काफ़ी बहुत ही प्रीमियम दिखती है, दिखने क्वालिटी में बहुत ही अच्छा है और आपको यहाँ पे इसकी बोट की ब्रांडिंग भी मिल जाती है और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। और अगर मैं ईयरफोन्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ये ईयरफोन्स यहाँ पे एक मेटल बिल्ड की केसिंग मिल जाती है और यहाँ पे उन्होंने बोट करके उनका ब्रांडिंग लिखा हुआ है और लेफ्ट राइट का यहाँ पे मार्किंग आपको मिल जाता है। सो वायर क्वालिटी काफ़ी ही अच्छी है, आपको टेंगल फ्री वायर मिल जाते हैं और फ्लैट वायर से। बेसिकली मैं इस तरह का वायर प्रेफर करता हूँ क्योंकि बहुत ड्यूरेबल होते हैं। सो नॉर्मली ईयरफोन्स यहाँ से अगर नॉर्मली यूज़ करते टाइम यहाँ से कट हो जाता है तो यहाँ से कट हो जाता है, तो ऐसा बहुत बार होता है नॉर्मल राउंड वायर में। सो वायर क्वालिटी यहाँ पे बहुत ही अच्छी है और यहाँ पे आपको 3.5mm गोल्ड प्लेटेड जैक मिल जाता है, यहाँ पे भी बेस हेड्स करके उन्होंने लिखा हुआ है। सो और अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं, हम इस साउंड को प्ले कर देते हैं और मैं आपको साउंड क्वालिटी का एक सैम्पल भी दिखा देता हूँ।
सो अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूँ, इस ईयरफोन्स के साउंड काफ़ी ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छा ही सुनाई देता है। सो आपको मैंने सैंपल भी दिखाया है ऑलरेडी, पर अगर आप इसे कानों में पहन के एक्सपीरियंस करोगे तो यू विल लव इट। सो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इसका साउंड क्वालिटी। और अगर मैं वायर लेंथ की बात करूँ, तो यहाँ पे उन्होंने ये दिया हुआ है, अगर मैं लेंथ की बात करूँ बहुत ही लंबी वायर मिल जाती है, देख सकते हो। सो यहाँ से शुरू हो गया, इतनी बड़ी वायर, सो ऑलमोस्ट एक मीटर तक है ये वायर का लेंथ। सो ये बहुत ही अच्छी बात है, आप लैपटॉप पे अगर यूज़ कर रहे हो तो लैपटॉप को एक दूर के डिस्टेंस में रख के आप आराम से यूज़ कर सकते हो। अगर मैं माइक क्वालिटी की बात करूँ, मैंने कॉल करके इसे यूज़ करके देखा है, सो माइक क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। मैं कह सकता हूँ बेटर देन अदर बोट की ईयरफोन्स के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो इसकी माइक क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। अगर आप कोई सिंगिंग ऐप जैसे सिम्यूल स्टार मेकर ऐसे कुछ यूज़ करते हो तो ये वाला माइक्रोफोन बहुत ही अच्छा है, आप इसे आराम से सिंगिंग या अदर आपका यूट्यूब वीडियोस वगैरह, अगर आपके पास बजट नहीं है बहुत अच्छा माइक लेने का, सो इस माइक को यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसका माइक क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। सो अगर मैं ईयरबड्स की बात करूँ तो टोटली यहाँ पे आपको 5 ईयरबड्स और टोटली यहाँ पे एक लगा हुआ है, सो टोटल 6 मिल जाते हैं। उनमें से ब्लैक कलर के जो है वो 3 हैं और ये लाइट ग्रे कलर के हैं वो 3 हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट है, जिनको सॉफ्ट वाला ईयरबड्स पसंद है वो ये यूज़ कर सकते हैं, ये थोड़े हार्ड है, सो आपकी पसंद के हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते हो। और आपको एक हैंगिंग क्लिप मिल जाता है, आप अपने क्लोथ्स पे से पिन कर सकते हो। और ये दो बुक्स है ईयरफोन के लिए, मैं इसे कैसे लगाना वो भी दिखा देता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे आपको ये ईयरबड निकालना होगा और उसके बाद राइट लेफ्ट करेक्टली देख के इसे करेक्टली ऐसे फिक्स करना होता है, ये कान में करेक्टली अरेस्ट हो जाता है और गिरने का चांसेस कम रहता है। सो अगर मैं अपना पर्सनल वर्डिक्ट बताऊँ इन ईयरफोन्स के बारे में, सो एक्चुअली मुझे इन टर्म्स ऑफ बिल्ड और साउंड ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं और प्रीमियम बिल्ड के साथ आते हैं, क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, आपको 500 रुपीज़ में मिल जाता है जो कि एक बजट प्राइस है और काफ़ी ड्यूरेबल है, मैंने यूज़ भी पहले भी किया हुआ है, सो काफ़ी ड्यूरेबल है वो भी मैं कह सकता हूँ। और एक डिसअपॉइंटमेंट ये है कि ये थोड़े हैवी है, मेटल केसिंग होने के कारण ये थोड़े हैवी है, जब आप इसे कान में पहनते हो ना सो आप अगर वॉकिंग या जॉगिंग कर रहे हो ये गिरते रहते हैं क्योंकि ये थोड़े वेट है, सो वेट थोड़ी ज़्यादा है इसकी। नॉर्मल अगर आप बाकी ईयरफोन्स को कंपेयर करोगे तो इसकी वेट थोड़ी ज़्यादा लगेगी, पर जो हैवी यूज़र्स या गेमर्स हैं सो वो लोग इसे यूज़ कर सकते हो, जिसका ईयरफोन का यूज़ बहुत ज़्यादा रहता है और रफ एंड टफ, मैं एक्चुअली कह सकता हूँ रफ एंड टफ यूज़र्स के लिए ये बहुत ही बेस्ट बाय होगा। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो इस बॉक्स में तो कुछ प्राइसिंग मेंशन किया है जो कि है 1290 करके लिखा है, पर नॉर्मली ये आपको अमेज़ॉन पे ऑलमोस्ट 550 से लेके 600 के रेंज में या 650 के रेंज में मिल जाता है, पर नॉर्मली ये ओनली ईयरफोन्स आता है, पर रिसेंटली अमेज़ॉन पे एक डील ऑफ द डे में ये विथ केस अवेलेबल था और मैंने इसे 499 रुपीज़ में परचेस किया हुआ है। तो ये डील आता रहता है, आप अगर चेक करोगे तो आपको कभी ना कभी मिल जाएगा, नहीं तो इस सेल के डेज में मिल जाएगा। सो मेरे हिसाब से विथ केस और ये 499 में बहुत ही वर्थ द बाय है। और ईयरफोन्स तो काफ़ी अच्छे है ही, तो ये भी काफ़ी अच्छा दिया है और मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा डील है, आप इसे ले सकते हो। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट कर दो। मेरा नया चैनल है, अब तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, सो आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है और मैं ऐसे ही कुछ टेक्निकल रिलेटेड टेक रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।